औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बिहार से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार के विधानसभा इलेक्शन में मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर अपने 5 MLA को कामयाब किया था और अपने 5 उम्मीदवारों को उन्होंने जिताया था। और अख्तरुल ईमान साहब की सरपरस्ती में मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर कमाल करते हुए RJD और भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपने 5 नुमाइंदों को वहां पर मजबूती के साथ कामयाब किया था। और उसके बाद से वहां पर RJD पार्टी के नेताओं ने मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और उनके 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और उसके बाद से अख्तरुल ईमान साहब ने मीर जाफर मीर सादिक की औलादों को ऐसा जवाब दिया कि वो आज तक उनके कान तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मीर जाफर मीर सादिक की औलादों ने मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी को छोड़कर मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी को वहां पर खत्म करने की कोशिश की और उन्होंने मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी के विश्वास को घाट करके वहां पर आवाम के सपनों को चकनाचूर कर वहां पर मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी के 4 विधायकों ने RJD पार्टी को जाकर ज्वाइन किया और मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी को कमजोर करने की वहां पर उन्होंने कोशिश की। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब वहाँ पर एक फौलाद की तरह और एक चट्टान की तरह मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी की रहनुमाई कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती में आज मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी RJD और नीतीश कुमार जो महागठबंधन वहाँ पर बना हुआ है उसकी नाक में दम कर चुके हैं। और लगातार अख्तरुल ईमान साहब मुसलमानों की क़यादत को मजबूत बनाने के इरादे से बिहार के सीमांचल में अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं की सरपरस्ती में आज मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी का बोलबाला सीमांचल की सरजमीन पर हो रहा है और लगातार मीर जाफर मीर सादिक जैसी औलादों को वहां पर करारा जवाब मजलिस तहदुल मुस्लिमीन पार्टी के बेबाक कायद अख्तरुल ईमान साहब और आदिल रशीद साहब जो लगातार मजलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा इलेक्शन की वहां पर अब तैयारी हो चुकी है और आने वाले समय में अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल के विकास के लिए वहां पर अपना नुमाइंदगी करेंगे और वहां से जीत कर एक नई जीत की राह को तय करेंगे। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ देते रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।